विदिशा जिले के पठारी नगर में कृष्णा गार्डन में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन ऋतु साक्षी जी ने प्रहलाद चरित्र, हिरण्यकश्यप वध, नरसिंह अवतार, श्री कृष्ण जन्म उत्सव का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा एक ऐसा अमृत है कि जिसका जितना भी पान किया जाए मन तृप्त नहीं होता। उन्होंने कहा कि हिरण्यकश्यप नामक दैत्य ने घोर तप किया, तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कहा कि मांग ले जो मांगना है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपनी आंखें खोली और ब्रह्मा जी को अपने समक्ष खड़ा देखकर कहा, प्रभु मुझे केवल यही वर चाहिए कि मैं न दिन में मरूं, न रात को, न अंदर न बाहर, न कोई हथियार काट सके, न आग जला सके, न ही मैं पानी में डूबकर मरूं। भगवान ने ऐसा ही वरदान दिया। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को शत्रु मानते थे। उन्होंने अपने पुत्र को मारने के लिए तलवार उठाई थी कि खंबा फट गया। उस खंबे में से विष्णु भगवान नरसिंह रूप धारण करके निकले, जिनका मुख शेर का व धड़ मनुष्य का था। प्रकट हुए भगवान नरसिंह अत्याचारी दैत्य हिरण्यकश्यप को पकड़कर उधर चीर कर वध किया। तात्पर्य यह है कि भगवान जात पात देख कर कृपा नहीं करते, वो तो सबके हैं। जो जिस भाव से जपते हैं उस भाव से मिलते हैं। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।